गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट आर न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो प्लीज लिसन केयरफुली तो बच्चों हम शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और नरेशन भी बुलाते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है तो ये सेंटेंस देखिए आप ही सेड टू मी मा है फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है आई एम नॉट वेल वेल्टुडे और आपका इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाते हैं तो इस सेंटेंस में जो स्पीकर के वर्ड्स हैं उन्हें हमने एक्चुअल यूँ का यूँ यूज़ किया है जो आई एम नॉट वेल टुडे है मतलब स्पीकर के शब्दों को हम जब यूं के यूँ यूज करते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है तो इसमें जब हम इसी स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखिए हमने क्या चेंज किया इसमें He told me that. फिर हमने कोमा हटा दिया है इन्वर्टेड कोमाज भी हट गए हैं हमारे He was not well that day. तो दोनों में डिफरेंस देखिए आप भाई पहले सेंटेंस का मतलब है ही said टू मी उसने मुझसे कहा था आई एम नॉट well today, कि आज मैं ठीक नहीं हूँ फिर जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हमने बनाया है ही टोल्ड मी दैट ही was not well दैट डे कि वह उस दिन ठीक नहीं था तो अब यहाँ देखिए जो ऊपर वाला जो डायरेक्ट स्पीच है वहाँ पर जो स्पीकर के वर्ड्स हैं वो यू के यू हैं लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो उसके शब्दों को हमने अपने शब्दों में चेंज कर दिया तो यही डिफरेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में अब फिर आपको ये ध्यान करना होगा कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं भाई डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जो हमारे वर्ड्स हैं ही सेट टू मी यहाँ तक है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और जो ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो बात कही गई है वो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब में क्या क्या चेंजेज होते हैं तो आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी होंगी ये चार सेंटेंसेज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो यहाँ देखिए आप जो पहला सेंटेंस है शी सेज फिर कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है आई एम क्वाइट वेल तो जो ये सेज है इस सेज में हमें कोई चेंज नहीं करना ठीक है और नीचे वाले सेंटेंस में देखिए शी सेज टू मी अब यहाँ सेज के बाद टू लगा है और फिर ऑब्जेक्ट है तो जो ये सेज है इसको हम टैल्स में चेंज कर देंगे और नीचे आइए गीता सेड तो यहाँ पर जो सेड है उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे सेड एज इट इज़ रहेगा और उसके नीचे देखिए सेड टू मी मतलब सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे तो ये चार बातें आप ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब में आपको जो चेंज करना है ये वो है सेज अगर ओनली सेज है हमने कोई चेंज नहीं किया सेज टू आ गया है तो हमने टेल्स में बदला है इसको ओनली सेड है तो भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे और सेड टू यानी ऑब्जेक्ट अगर साथ में है तो हमने इसको टोल्ड में चेंज कर दिया तो ये तो हो गए आपके रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेज अब देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच जो आपकी होती है उसमें क्या क्या चेंजेज़ होते हैं तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि सबसे पहले तो जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे वो चेंज हो जाते हैं अब प्रोनाउंस क्या है इसमें इन सेंटेंसेज में देखिए जो आई है यू है फिर आई है यू आया है ये जो हमारे हैं ये प्रोनाउंस हैं तो इनको कैसे चेंज किया जाएगा तो बच्चों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो तीन तरह के होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस टेबल को देखिए इसमें सभी प्रोनाउंस दिए हुए हैं तो इस टेबल को आपको जरूर ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो चेंजेज होते हैं वो हमारे किए जाते हैं अब इसके लिए एक ट्रिक है बच्चों जो हमारे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं तो ये ट्रिक याद कर लिए फर्स्ट के नीचे एस सेकेंड के नीचे ओ थर्ड के नीचे एन तो इसका मतलब क्या है जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो चेंज किए जाएंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो आपके चेंज किए जाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जो थर्ड के थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो चेंज किए उनमें मतलब कोई चेंज नहीं होगा नो no चेंज तो अब ये सन जो है इससे आप ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन्स को कैसे चेंज किया जाएगा इस सन फॉर्मूला को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा और ये तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन में आई माई मी वी अवर एस ये प्रोनाउंस होते हैं सेकेंड पर्सन वाले यू 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 ये वाले होते हैं और थर्ड पर्सन ही ही हिम शी हर हर दे देर देम तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये ट्रिक ये टेबल आपको ध्यान रखनी होगी अब आइए सेंटेंसेज पे। तो अब ये तो हो गए प्रोनाउंस में चेंजेस अब कुछ चेंजेस बच्चों आपके टेंस में भी होते हैं कि जो मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आज के लिए केवल आप प्रोनाउंस के चेंजेस ध्यान रखें जो टेंस में चेंज होगा कुछ एडवर्ब में भी चेंजेस होते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आज आप ब्रीफ में एक बार मेन मेन समझ लीजिए तो ये चार सेंटेंसेज है इनको मैं आपको ये डायरेक्ट स्पीच में है मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इनको कैसे चेंज करना है वो बताती हूँ तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा शी सेज आई एम क्वाइट वेल भाई वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो बच्चों पहली बात आप कोमा हटा देंगे आप इन्वर्टेड कोमाज हटा देंगे फिर इनके बीच में आपको कोई ना कोई कंजंक्शन यूज़ करनी होगी इन दोनों को जोड़ने के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी अब यहाँ पे जैसे हमने दैट यूज कर लिया इफ़ कर लेते हैं वेदर यूज करते हैं वट वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो फिलहाल आप इतना ही देखिए तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन गया शी सेज़ दैट कोमा हटाया है हमने दैट को दैट से इनको कनेक्ट किया है अब जो ये आई है जो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वो आपको चेंज करने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब सब्जेक्ट देखिए हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे शी तो इस आई को हम शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये शी में कन्वर्ट हो जाएगा शी अब शी के साथ एम नहीं लगेगा बच्चों क्या लगेगा इज़ क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं शी इज़ क्वाइट वेल और कोई चेंज नहीं करना इसमें आपको ठीक है तो ये सेंटेंस हमारा बन गया देखो पहले वाले की हिंदी थी शी सेज आई एम क्वाइट वेल भाई वह कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिर जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हमारा सेंटेंस बन गया शी सेज दैट शी इज क्वाइट वेल कि वह पूरी तरह ठीक है आई की जगह शी चेंज हो गया तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया नेक्स्ट सेंटेंस देखिए शी सेज टू मी यू आर इनोसेंट भई वह मुझसे कहती है यू आर इनोसेंट अब ये इनोसेंट कौन है ये मैं हूँ मतलब ये यू जो ये यूज हुआ है ये मेरे लिए हुआ है तो अब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेज टू की जगह मैंने क्या बताया था बच्चों टेल्स ठीक है ना क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट साथ में है तो शी टेल्स मी दैट दैट से जोड़ेंगे इसको अब यू को हमने चेंज किया है बच्चों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी सन वाली जो सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग अब उसी टेबल को आप देखिए जो मैंने आपको बताई थी तो यू को हमें चेंज करना है मी के अकॉर्डिंग तो यू वाली लाइन में जब हम देखेंगे तो मी वाली लाइन में यू के सामने ए, आई है तो यू को हम आई में चेंज कर देंगे और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे भाई एम आई के साथ एम यूज करते हैं हम तो हमारा सेंटेंस बन गया शी टेल्स मी दैट वह मुझे कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ उसने मुझसे क्या कहा था कि तुम इनोसेंट हो लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाते हैं तो मुझसे क्या कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गीता सेड कोमा इनवोटेड कोमा स्टार्ट आई एम इल गीता ने कहा था सेड जो है ये पास्ट में आ गया है तो गीता ने कहा था मैं बीमार हूँ तो अब जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखिए गीता सेड दैट दैट आपको लगाना होगा सेड में कोई चेंज नहीं करना हमें मैंने आपको बताया था गीता सेड दैट आई को किस में चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन है गीता तो गीता के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई शी क्योंकि लड़की है गीता शी वोज़ इल अब आप कहेंगे मैंने एम के एम था तो मुझे इज यूज करना चाहिए मैंने वोज यूज क्यों किया तो बच्चों ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि टेंस में चेंजेज कैसे होते हैं तो ये बन गया शी वोज़ इल क्योंकि यहाँ पे सेड था रिपोर्टिंग वर्ब में अब ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रजेंट में या फ्यूचर में बच्चों होती है तो हम टेंस चेंज नहीं करते मतलब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखो पास्ट है तो पास्ट में रखो लेकिन यदि यही रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है जैसे कि यहाँ गीता सेड तो इसको हमें चेंज करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो काफ़ी लंबी टेबल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है ना उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में करते हैं इस जैम आर को हम वाजवर में चेंज कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन गया गीता सेड दैट शी वॉज इल कि गीता ने कहा था कि वो बीमार थी ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा गीता सेट टू मी गीता ने मुझसे कहा क्या कहा था मुझसे यू आर रोंग कि तुम गलत हो तो अब मैंने आपको बताया था सेट टू की जगह क्या लगाना बताया था आपको टोल्ड ये आपको ध्यान रखना होगा बार बार रिवीजन करोगे आपको ध्यान रह जाएगा गीता टोल्ड मी दैट दैट से जोड़ दिया हमने अब देखो बच्चों आ गया यू यू को मैंने आपको बताया था सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है इसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है हमारा मी अब वही यू को मी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो हमारा बन जाएगा आई क्योंकि जो ये यू है ना ये कौन है ये मैं हूँ गीता ने मुझसे कहा था तुम गलत हो तो गीता ने मुझसे क्या कहा था कि मैं गलत हूँ तो ये यू किस में चेंज हो गया यू को हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ये बन गया आई आई वॉज रॉन्ग तो आज बच्चों मैंने आपको क्या बताया है एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन ले, ले लेते हैं आपका ध्यान से क्लियर हो जाएगा देखो डायरेक्ट स्पीच को हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में तो सबसे पहली बात कोमा हटा दोगे इन्वर्टेड कोमाज आपके हट जाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ने के लिए बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन जैसे कि हमने दैट यूज किया है सबसे पहला काम हमारा ये है फिर मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेज होते हैं दोबारा बताती हूँ सेज है ओनली ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज ही रहेगा नो no चेंज लेकिन अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है सेज टू मी तो आपने इसको चेंज कर दिया टैल्स में ठीक है और फिर सेड है ओनली सेड है तो कोई चेंज नहीं लेकिन सेड के बाद ऑब्जेक्ट है बच्चों सेड टू मी तो कर दिया हमने टोल्ड ये तीन चार बातें आप ध्यान रखेंगे फिर प्रोनाउंस में चेंजेस बताए हैं मैंने फिर से सुन लीजिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन के अगर प्रोनाउन अंदर आए हैं तो नो चेंज देयर विल बी नो चेंज कोई चेंज नहीं होगा तो बच्चों आज के लिए इतना ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो पास्ट में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं टेंस के अकॉर्डिंग ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा Thank you.